सुप्रीम सोल बाप, शिव बाप जिसे सदा शिव कहते हैं, वो तो आकरता है अच्छा बुरा कर्म करने वाला नहीं है। तो ऐसे को जो याद करेगा उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिंदु रूप में याद करना है, नहीं, वो सदाशिव बिंदु रूप वाला तो है लेकिन साकार में प्रवेश करके कर्म करता है, और ऐसे कर्म करता है जिन कर्मों का कोई लेपछेप नहीं लगता। ऐसे नहीं कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करता है, साकार में प्रवेश करता है, साधारण तन में प्रवेश करता है, पतित तन में प्रवेश करता है, तो कर्म तो साधारण ही करेगा ना। लेकिन उन साधारण कर्मों का बुद्धि योग की एकाग्रता के कारण प्रभाव विलक्षण होता है। ऐसी प्रैक्टिस कराता है, उस प्रैक्टिस का नाम है सहज राजयोग। सहज उनके लिए है जो बाप की बताई हुई बातों को मानते हैं, काटते नहीं है, चाहे वो मां के रूप में आकर के बात बताता है, ज्ञान सुनाता है, चाहे वो टीचर के रूप में आकर के ज्ञान सुनाता है, और चाहे वो सदगुरु के रूप में आकर के सदगति करता है, बुद्धि को पावन बनाता है। कोई अच्छी रीति पुरुषार्थ करे तो बहुत आगे जा सकता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, जो मुझे इस दुनिया में आकर के पति शरीर का आधार लेना पड़ता है। अगर आधार ही न लूं तो बोलूंगा कैसे? मुसलमान लोग तो कह देते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया वो फरमाया, अब अल्लाह मियां को निराकार कहते हैं तो कैसे फरमावेगा? जरूर कोई तन में प्रवेश करके मुख से बोलेगा ना। अभी तुम बच्चों का प्रैक्टिकल में संग है, प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ। तुम बच्चे भी शरीर में हो और तुम आत्माओं का बाप भी शरीर में है, और शरीर में होने के साथ साथ प्रैक्टिकल में तुम संबंध जोड़ते हो। संबंध माने समान बंधन, संपूर्ण बंधन। इंद्रियों के द्वारा ही बंधन जोड़े जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा ही स्नेह होता है। बिना शरीर के स्नेह नहीं हो सकता और दुश्मनी भी नहीं हो सकती। ईर्ष्या देश शरीर के साथ होता है। कोई कहे हम तो बिंदी को प्यार करता हूं, बिंदी सुप्रीम सोल से मेरी दुश्मनी है,
ये बात लागू नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं आत्मा का पार्ट वंडरफुल है और परमात्मा बाप भी वंडरफुल है।